मोराना के चलते प्रशासन चौकस, CHC का औचक निरीक्षण, दे निर्देश। कोरोना वायरस के बढ़ती आहट के बाद अब प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग और अधिक चौकस हो गए हैं। उपखंड अधिकारी JP गुर्जर व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा ने शुक्रवार को शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ नहीं होने के निर्देश दिए। इसके अलावा CHC में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का भी मुआयना करते हुए कर्मचारियों को उचित निर्देश दिए। इसके अलावा प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए लालसोट नगर पालिका क्षेत्र में सभी होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मेरिज गार्डन व मांस मीट की दुकानों को बंद कर दिया है। पालिका के ईओ नवरत्न शर्मा ने एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि इनके खुला मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर शहर के तंबाकू पाड़ा में गत दिनों एक युवक के विदेश से लौटने की सूचना पर शुक्रवार शाम प्रशासन व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में सर्तक हो गया। हालांकि जांच में युवक पूरी तरह स्वस्थ मिलने पर प्रशासन व परिजनों ने राहत की सांस ली। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा ने बताया कि उक्त युवक 16 मार्च को अफ्रीकी देश युगांडा से लौटा है, जिसके बारे में शुक्रवार को जानकारी मिलने पर डॉक्टर अभिजीत आसिका की अगुवाई में एक मेडिकल टीम युवक के घर पहुंची और उसकी मेडिकल जांच की, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ मिला। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि युवक को घर पर ही आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं और युवक की नियमित स्क्रीनिंग की जाएगी। चरागाह भूमि पर कब्जे के प्रयास से फूटा ग्रामीणों का रोष, धरने पर बैठे ग्रामीण। निर्झरना गांव का है मामला। उपखंड के निर्झरना गांव की मारवाड़ी डूंगरी व दौसा कोथून बाईपास के पास चरागाह भूमि पर गुरुवार रात्रि को कुछ जनों ने JCB मशीन डलाकर कब्जे का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के ग्रामीणों का रोष फूट पड़ा और वे मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। मिली जानकारी के अनुसार निर्झरना गांव की मारवाड़ी डूंगरी व दौसा कोथून बाईपास के पास करोड़ों रुपए मूल्य की चरागाह भूमि पर गुरुवार रात्रि को कुछ जनों ने JCB मशीन डला प्लाटिंग करते हुए जमीन खुदाई करते हुए कब्जे का प्रयास किया। गुरुवार सुबह मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना कि एक क्रेशर मशीन के चालक व अन्य व्यक्तियों ने चरागाह भूमि पर JCB चलाकर कब्जे का प्रयास किया। युवा नेता प्रद्युम्न सिंह समेत सभी ग्रामीण मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने व मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। कुछ देर बाद मौके पर तहसीलदार बद्री नारायण मीना व नायब तहसीलदार भरोसी लाल भी पहुंचे और ग्रामीणों को चरागाह भूमि का सीमा ज्ञान कराते हुए तारांबंदी कराने, 25 लाख की राशि से इस चरागाह भूमि को विकसित करने व कब्जे के प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हुए उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद ही ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। तो नहीं मिल पाई किन लोगों ने अतिक्रमण किया है, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पास में संचालित बद्री विशाल स्टोन क्रेशर है, जिसका एक ड्राइवर जनक सिंह नाम का, वह यहाँ मौके पर पाया गया। जैसे भी चलाते हुए कुछ लोगों ने देखा और सुबह हमें इस चीज़ की जानकारी मिली। सारे ग्रामीण जन सैकड़ों संख्या में यहाँ पहुँचे और प्रशासन भी मौके पर अब मैं जाब्ते के साथ पहुँचा और हमें आश्वासन दिया कि उक्त चरागाह का हम सीमा ज्ञान करा करके, उसी तार फेंसिंग करा करके चरागाह को सुरक्षित रखेंगे और जो जिसने भी ये अवैध रूप से JCB चलाए उसके खिलाफ उचित से उचित रूप से कार्रवाई करेंगे। मौसम पलटा, बारिश से किसान चिंतित। क्षेत्र में शुक्रवार शाम अचानक पलटे मौसम ने किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच दी। शाम करीब 6:45 बजे आसमान में काले मेघ छाने के बाद तेज बारिश का क्रम शुरू हो गया। बारिश का यह क्रम करीब 10 मिनट तक चला। कई किसानों ने बताया कि वर्तमान में गेहूं व सरसों फसलों के कटाई का दौर चल रहा है, ऐसे में बारिश से अब फसलों में नुकसान होने का पूरा अनुमान है।